खेते में देखो इतने सुंदर सुंदर बैंगन लग रहे हैंगे। क्या देखो हम वहाँ पे खेते ही थे तोड़ के इन्होंने ले देखो आए। बैंगन को, देखो ये बैंगन को डाल भैया हम चौंक रहे हैं। देखो इसमें भैया जी और हम आ गए अपनी बगिया में। अब तोड़ेंगे बैंगन और आपको दिखाएंगे। मेरी बगिया में ही बैंगन है भैया और यहाँ पर तो भाई साहब बैंगन है। देखो हमारा कालू बोल रहा है देखो बैंगन है। दिखाती हूँ बस लेकिन मतलब भरवा बैंगन बनेगा भाई। आज मैं देखिए बगिया में ही आई हूँ तोड़ने के लिए। बैंगन तोड़ के ले जा रहे हैं और बैंगन को तोड़ रहे हैं दोस्तों। अभी सब्जी में दिखाएंगे, सब्जी बना बैंगन तोड़ लिए हैं इन्हें, इन्होंने बैंगन को तोड़ लिया है दोस्तों। अभी हम इनके बनाने वाले हैं सब्जी, तो अभी हम आपको वीडियो के अंदर सब्जी भी दिखाएंगे बनाकर। भाई आज परेगा ना कोद, सही बात बता रहे कैसा। अब सर्दी है गई है ना तो आज बहुत ज्यादा ओद आता, लेकिन अब तो थोड़ा कटेगा हुआ है वो भैया। हम जा रहे धनिया काट बिकला है। देखिए धनिया काटने जा रहे हैं ये दोस्तों, कीर्ति धनिया को काट रही हैं और अभी बनाने वाली है सब्जी यानी भरमा बैंगन। देखो मेरे हाथ में भी बैंगन वगैरह है, अभी बैंगन की सब्जी बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा कालू ने टमाटर को रख लिया, अभी हम बनाने वाले हैं बैंगन की सब्जी बनाएंगे दोस्तों, तो उसको दिखाएंगे आपको वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों भट्टा, और देखो ये बैंगन इनके हाथ में बैंगन है और ये बैंगन बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले हैं दोस्तों। और देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखो इनके हाथ में बैंगन है और देखो ये बैंगन की रेस्ट। भैया वैसे तो बैंगन ही बोलता है लेकिन हम भटा बोल देते हैं कभी कभी, तो हम तो मैं आपको शब्द बता दे रहे हैं। हाँ भैया बैंगन भटा बोल रहे हैं। तो अभी देखो इन्होंने तो भैया देखो हम आप कहते थे इन्होंने देखो बैंगन को फाड़ लिया है। इनमें अभी मसाले भरने जाएंगे और मसाला भरने के बाद में दोस्तों इनको किस तरह देखो जा तरीका से काटो। देखो ये इनको काट रही है तो आप लोगों का सब खेते में तोड़ के ले आए हैं। हम जो ना है भाई कौन ले आए हम बाजार जाते हैं खेतों में, खेते में देखो इतने सुंदर सुंदर बैंगन लग रहे हैंगे। उगाड़ लिया है और इसमें थोड़ी सौंफ डाल ली है और लहसुन भी डाल लिया है। अब इसका हम पेस्ट बनाने वाले हैं और पेस्ट बनाने के बाद में हम किस तरीके से बैंगन के अंदर मिक्स करने वाले हैं दोस्तों, हम आपको वीडियो के अंदर दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को स्किप ना करो और वीडियो को पूरा नमक डाल रही है और इसमें नमक भी डलेगा अभी थोड़ा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। नमक पाता लेकिन हमको जब नॉन ही खाई देता है। देखो भैया ये आपका गाँव की भाषा में इसको नॉन बोलते हैं लेकिन आपकी भाषा में नमक बोला जाता है इसको। ये हमारा खड़ा नमक है, ये देखो साबित नमक होता है दोस्तों, ये देख रहे हैं डब्बे के अंदर साबित नमक है दोस्तों। दोस्तों देखिए कीर्ति ने इसमें मसाला जो अपनी अभी आपको जो पेस्ट दिखाया था इसमें लहसुन प्याज और सौंफ वगैरह डाल दी गई है और इसका इसमें मिर्ची और इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है इस पेस्ट के अंदर दोस्तों। देखो ये पेस्ट है, इसमें गरम मसाला भी डाल दिया यानी सारा मसाला इसमें मिक्स करने के बाद में खटाई डाल इसमें आमचूर भी, इसको आमचूर बोलते हैं देहाती भाषा में, इसको खटाई बोलते हैं लेकिन आमचूर है दोस्तों, और इसमें आमचूर भी डाल दिया गया है। ये आपका सारा पेस्ट है दोस्तों, तो अभी इसको इसमें भरने जा रही है। तो देखिए दोस्तों अब ये बैंगन हमने साफ अच्छे से साफ कर लिए, पानी से साफ कर लिए हैं। अब इसको इस मसाले को इन भरते बैंगनों के अंदर भरने जा रहे हैं, इन बैंगनों के अंदर अब इसको भरेंगे दोस्तों। तो देखो बहुत ही अच्छी रेसिपी है दोस्तों, आप अपने घर पर इसको अवश्य ट्राई करें। और भी होंगे बैंगन, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि आप नहीं बैंगन बनाते, लेकिन इस तरीके से हमारे तरीके से इस रेसिपी को आप अवश्य बनाएं। इस तरीका से बताते हैं अपने हमारे तरीके से इसको बनाइए तो उसको बहुत ही और स्वाद आने वाला है इस रेसिपी के अंदर दोस्तों, और बहुत ही प्यारी रेसिपी है दोस्तों। हम जैसे बनाते हैं वैसे बता रहे हैं, जो जैसे हम बनाना बनाते हैं उस तरीके से हम आपको भी बता रहे हैं दोस्तों। मसाले को बैंगन के अंदर भरने जा रहे भर रही है, वो भी पूरे भर जाएंगे तो भी दिखा देंगे हम आपको। ये दोस्तों कीर्ति ने चूल्हे को जला लिया है, देखो कितनी मुश्किल से हमने चूल्हा जला पाया है। अब इसमें हमने अब कढ़ाई रख दी है और इसमें रखने वाले हम बैंगन का भत्ता बनाने वाले हैं, यानी बैंगन को किस तरीके से भरे हुआ बैंगन को बनाया जाता है और वो अच्छे से ही बनाया जाता है, तो भी हम आपको बता रहे हैं करें और हमें सपोर्ट करने की, आप हमें सपोर्ट करें। देखिए दोस्तों चूल्हा जल गया है, इसमें कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है दोस्तों, और देखो धुआं कितना लग रहा है। बड़ी मुश्किल से हम इस रेसिपी को तैयार कर रहे हैं दोस्तों और हम बड़ी मुश्किल से इस रेसिपी को बना रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से आप जुड़िए, हम आपको इस तरीके की नई नई रेसिपी को दिखाते रहेंगे। और भैया हम चौंक रहे हैं। देखो इसमें इन्हें जीरा डाल दिया है और कढ़ाई के अंदर और सौंफ को थोड़ा सौंफ डाल दिया है। अब इसमें देखो ये सब छौंका लगने वाला है दोस्तों, देखो ये बैंगन को डाल रही हैं दोस्तों,
अच्छा था तो वही उसका पानी उसमें बाप को डाल दिया गया। तो देखिए दोस्तों हमारे बैंगन बन चुके हैं दोस्तों, ये देखो बने के तैयार है गए हैं, हम करके डालते हैं यहां में। हां देखो ये कढ़ाई में रख दिए दोस्तों, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो कितने बच्चे भरे हुए बैंगन बन गए दोस्तों, ये देखो बहुत ही अच्छे टेस्टी ले दोस्तों बैंगन बन चुके हैं। और इसको हम भैया निकालने वाले और खा के भी दिखाने वाले हैं इनका टेस्ट क्या है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहे दोस्तों, और आप सभी लोग आप हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रखे हो और आप हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे दोस्तों। ये देखिए कीर्ति दिखा रही है, बन चुके हैं दोस्तों, देख लीजिए कितने अच्छे बने हैं।